आपको हमारी पिछली वीडियोस देख के ये तो पता चल गया होगा कि एनबीएफसी क्या होती है और उसके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, पर क्या आप जानते हैं कि एनबीएफसी का कौन सा टाइप आपके बिजनेस को सूट करेगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दुष्यंत और आज हम डिस्कस करेंगे एनबीएफसीज के टाइप्स के बारे में। सबसे पहली चीज तो एनबीएफसी, जैसा हमने आपको बताया, बैंक की तरह ही काम करती है। ये पब्लिक को लोन प्रोवाइड कर सकती है, लीज कर सकती है, हायर परचेज कर सकती है, बिल्कुल बैंक के जैसा ही काम है। लेकिन ये बैंक की तरह पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती। एनबीएफसी मेनली लोन्स एंड क्रेडिट्स प्रोवाइड करती हैं एमएसएमई एंटरप्राइजेस को, क्योंकि मार्केट में एमएसएमई एंटरप्राइजेस को इतनी जल्दी लोन नहीं मिलता है ड्यू टू इनसफिशिएंट कैश लिक्विडिटी। और इसी इनसफिशिएंसी को आपकी एनबीएफसी ओवरकम करती है और एमएसएमई को फंड्स प्रोवाइड करती है। हम लीगल बिजनेस में काम करते हुए कई तरह की एनबीएफसी से एनकाउंटर करते हैं और ये एनबीएफसी का पर्पस डिफरेंट होता है और ये डिफाइन किया जाता है उस एनबीएफसी का मार्केट में क्या फाइनेंशियल एक्टिविटी है। आइए डिस्कस करते हैं इसी तरह की एनबीएफसी के टाइप्स के बारे में। एनबीएफसी के मेनली दो टाइप होते हैं अगर ब्रॉडली देखा जाए तो। सबसे पहला डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी, दूसरा नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एनबीएफसी। अब एनबीएफसी का कुछ नॉमनक्लेचर होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एनबीएफसी नॉन डिपॉजिटिंग होती है तो उसका नाम दिया जाता है एनबीएफसी एनडी। और जो भी एनबीएफसी जिसका असेट साइज 100 करोड़ से ऊपर हो गया है, ऐसी एनबीएफसी को बोलेंगे सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी। तो इसको नाम दिया जाएगा एनबीएफसी एसआई। और अगर वो एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग है तो इसका नाम हो जाएगा एनबीएफसी एनडीएसआई। और इसी तरह से एनबीएफसी की एक्टिविटीज के बतौर उनको नॉमनक्लेचर दिया जाता है। अब मेनली हम देखेंगे कि मेन 8 टाइप्स की एनबीएफसी होती हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे फर्दर इस वीडियो में। आइए सबसे पहली एनबीएफसी हम टाइप का डिस्कस करेंगे, इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी, यानी कि आईसीसी एनबीएफसी। ये एक तरह का नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो असेट को फाइनेंस करता है। ये सिक्योरिटी भी एक्वायर करता है किसी भी कंपनीज के और ये अपनी तरह का एक यूनिक टाइप की एनबीएफसी है जिसका कोई क्लोन नहीं है आरबीआई में। अब डिस्कस करते हैं पहला टाइप, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एंड कंपनी, यानी आईसीसी एनबीएफसी का, जिसे कहा जाता है एएफसी एनबीएफसी, असेट फाइनेंसिंग कंपनी। तो एएफसी जो होती है वो सिर्फ उन कंपनीज को फाइनेंस करती है जिनका मेन पर्पस प्रोडक्टिव इक्विपमेंट से रिलेटेड होता है, यानी कि उनके मेन प्रोडक्टिव जो असेट्स होते हैं। एग्जांपल लेंगे ऑटोमोबाइल्स, ट्रैक्टर्स, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स। तो ये एएफसी कंपनी सिर्फ इन्हीं टाइप की कंपनीज को फाइनेंस करती हैं और जो इन असेट्स की टोटल वैल्यू है, इनसे जनरेटेड जो इनकम है वो इस वैल्यू के 60% से कम होना चाहिए। अब डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट क्रेडिट एंड कंपनी एनबीएफसी का दूसरा टाइप, विच इज इन्वेस्टमेंट कंपनी। इस तरह की एनबीएफसी कंपनीज की सिक्योरिटीज को एक्वायर करती हैं और उससे प्रॉफिट जनरेट करती हैं। तो ये क्या करती हैं, पब्लिक से पैसे डिपॉजिट लेती हैं और उसके अगेंस्ट में कंपनीज की सिक्योरिटीज को एक्वायर करती हैं। बाद में जो प्रॉफिट जनरेट होता है उसमें से अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को डिडक्ट करेंगे और बचा हुआ पैसा प्रॉफिट की तरह शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे बजाज अलायंस इंश्योरेंस कंपनी, जैसे आईडीएफसी एंड एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स। आईसीसी एनबीएफसी कंपनी का थर्ड टाइप है लोन कंपनी। लोन कंपनी के अंदर ये लोग हर तरह की ऑपरेशनल फाइनेंसिंग करते हैं बट असेट फाइनेंसिंग नहीं करते, सिर्फ ऑपरेशनल वैल्यू को फाइनेंस करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि एग्जांपल है पीएनबी हाउसिंग। अब दूसरा मेन टाइप हम डिस्कस करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी। ये एक स्पेशल तरीके की कंपनीज होती हैं जो अपनी असेट का 75% इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स में ही इन्वेस्ट करती हैं और अपना मिनिमम नेट ओन फंड्स 300 करोड़ रुपीस
मेंटेन करके चलती हैं। इन कंपनीज की क्रेडिट रेटिंग एटलीस्ट ए होनी चाहिए। इस कंपनी के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तीसरा टाइप है एनबीएफसीज का सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, यानी कि SICIC एनबीएफसीज। इस तरह की कंपनीज अपने टोटल असेट का 90% मार्केट में इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखती हैं। ये इन्वेस्टमेंट इक्विटी, डेट्स, लोन्स या सिक्योरिटीज किसी में भी हो सकता है, लेकिन इस 90% इन्वेस्टमेंट का 60% इक्विटी शेयर्स में ही इन्वेस्ट होना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो 10 साल के अंदर अंदर ये इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स में ही कन्वर्ट करना होगा। अब हम फोर्थ टाइप डिस्कस करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसी। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड एनबीएफसीज का मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट है वो बॉन्ड्स की फॉर्म में आता है, जो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से कलेक्ट किया गया है। और ये डिफरेंट करेंसीज की फॉर्म में हो सकता है, लेकिन 5 साल की मैच्योरिटी के बाद। अब फिफ्थ टाइप है एनबीएफसी का मॉर्गेज कंपनीज। मॉर्गेज कंपनीज का 90% इन्वेस्टमेंट मॉर्गेज गारंटीज के ही बेसिस पे होता है, यानी कि इनका जो टर्नओवर या इनकम है वो 90% मॉर्गेज गारंटीज से ही आती है। और इनका मिनिमम नेट ओन फंड्स 100 करोड़ रुपीस होता है। सिक्स टाइप हम डिस्कस करेंगे एनबीएफसी फैक्टर। सिक्स टाइप ऑफ एनबीएफसी है फैक्टर एनबीएफसी, यानी कि ये एक तरह के एनबीएफसी इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो जिनका मेन प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट फैक्टरिंग में ही होना चाहिए, यानी कि इन कंपनीज के 75% जो इन्वेस्टमेंट है वो फैक्टरिंग बिजनेसमेंट के अंदर ही होने चाहिए, या इनका टर्नओवर 75% फैक्टरिंग बिजनेस के थ्रू ही आना चाहिए। और इनका मिनिमम नेट ऑन फंड्स रिक्वायरमेंट है 5 करोड़ रुपीस। अब लास्ट हम डिस्कस करेंगे MFI एनबीएफसी, यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एनबीएफसी। इनका 75% इन्वेस्टमेंट लोन्स के अंदर ही होना चाहिए, जो फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, जैसे कि अगर ये लोन डिसबर्स हो रहा है किसी पर्सन को जो रूरल एरिया को बिलोंग करता है, तो उसकी इनकम 60,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर ये लोन डिसबर्स हो रहा है किसी पर्सन को जो कि अर्बन या सेमी अर्बन एरिया को बिलोंग करता है, तो उसकी इनकम 1,20,000 यानी कि 1,20,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये पहली साइकिल में जो लोन डिसबर्स करेंगे वो होगा 35,000 का, और दूसरी साइकिल में डिसबर्स करेंगे 50,000 का लोन। MFI से जो लोन है वो 50,000 से ज्यादा का नहीं जाना चाहिए, और 50,000 से ज्यादा के अलावा 2 साल इसका ड्यूरेशन होना चाहिए। MFI के कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे बंधन फाइनेंशियल सर्विस और उज्जवल फाइनेंस सर्विस। आइए अब हम डिस्कस करते हैं हम आपकी इसमें कैसे मदद कर सकते हैं। अगर आपको कोई NBFC रजिस्टर करनी है और आप भी मार्केट में लोन डिसबर्स करना चाहते हैं, और आप जानना चाहते हैं कि कौन सी NBFC आपके लिए सुटेबल है किस फाइनेंशियल एक्टिविटी के तहत, तो उसमें आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको एक्सप्लेन करेंगे सारी डिटेल्स अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी। कनेक्ट करिए रजिस्ट्रेशन वाला को।